दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। पूछेगा रब तू क्या क्या है लाया, पूछेगा रब तू क्या क्या है लाया, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद। पूछेगा रब तू क्या क्या है लाया, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। सल्ले अला की महफिल सजी है, सल्ले अला की महफिल सजी है, पढ़ लो वजीफा नामे मोहम्मद। सल्ले अला की महफिल सजी है, पढ़ लो वजीफा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। शुक्रिया। एक या दो मिनट इजहार ख्याल करना चाहते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सामने आए। जनाब मुबीन अहमद साहब, अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर जनाब डॉक्टर साहब इकबाल राही साहब और तमाम मेहमानान जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, आज का ये इजलास हमारे सीनियर और अहले किताब शोरा जो हमसे जुदा हुए हैं, साबित फखरुद्दीन साहब, फजल अफजल साहब, आजम असर साहब और जिलानी शाहिद साहब, इन तमाम शोरा पर आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने मुंसिफ के कालम जान पहचान में कालम उनके कलाम और शख्सियत से मुताल्लिक लिख चुका हूं, और उसके अलावा जब इनकी किताबें आई हैं तो तबसरों के हवाले से, इनकी शख्सियत से हवाले से मेरी जो चौथी किताब है वो आईने, उनमें इनके तबसरे, किताबों से मुताल्लिक तबसरे भी शामिल हैं। ये वो नगीने थे, ये वो हीरे थे बेशक जिनकी, क्योंकि गुलबर्गा से लेकर हैदराबाद कर्नाटक का इलाके में आना जाना होता, घूमना होता है काम के हवाले से, तो ये वही लोग थे जो उर्दू अदब, उर्दू सहाफत और उर्दू ज़बान के हवाले से जाने जाते थे। बेशक जिस कदर वो मोहतरम, मोतबर और मोहतरम थे, उनकी हयात में वो मुकाम नहीं मिला। ये शायद यादगीर के ताल्लुक से या फिर यहाँ की तासुबियत के बुनियाद पर यादगीर के शोरा को वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरी नज़र में बखील वो नहीं है जो पैसे खर्च नहीं करता, मेरी नज़र में बखील आज़म वो है जो किसी के अच्छाई, सच्चाई, टैलेंट, ईमानदारी, उसके खूबियों को बयान नहीं करता लोगों के सामने, यानी कहना, लिखना, बोलना, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को जाहिर करती हैं कि आप उससे किस कदर मोहब्बत रखते हैं। अब अभी आपने इकबाल राही साहब को देखा, भले ही हम चार शोर आके का ये याद रखान प्रोग्राम कर रहे थे, मगर इन्होंने अपने हलके के एक और खलमकार जुबैर राही का जिक्र किया। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि खलमकार का एहसास होता है और वो अपने अतराफ अकनाफ खलमकारों को, उनकी खूबियों को, उनकी अच्छाइयों को, उनके कामों को लोगों के सामने मंजराम पर लाना अपनी अवलीन जिम्मेदारी समझता है, और इस जिम्मेदारी को अंजुमन तरक्की उर्दू और तमाम टीम ने बखूबी इस प्रोग्राम के तहत लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। मगर मैं समझता हूँ ये वो शख्सियतें थी जो शायद आने वाले दिनों में, कई सालों में भी वो मुकाम मौजूदा शोरा शायद वो पा ना सकें। भले ही हम और आप किताबों की क्वांटिटी बढ़ा सकें, मगर उनकी जो खूबी थी, जो रियाजत थी, जो टैलेंट था, जो म्यार था, जो सोच थी, जो अमल था,
वो हम शायद पूरा ना कर सकें। ये वो बहुत, मैं अपनी बात को दुल्हन में खत्म कर दूं। इन शोरा में सबसे जो अहम चीज थी वो था मुताला। आप सभी ने देखा होगा और खासकर शोरा के नाम ने देखा होगा, ये तमाम शोरा 10 से 15 किताबों के कलमकार खरीदार हुआ करते थे, और जो कोई भी इनके पास मिलता था पहले उसको उस किताब का, किसी रिसाले का, हिंदुस्तान के किसी मुकाम से निकलता क्यों ना हो, वो उसके खरीदार जरूर बनते थे, और उनके मकानों में उर्दू अखबार जरूर आता था। तो ये वो अमल था, ये वो काम था जो अपनी जुबान और अदब के लिए वो लोग ताहयात करते रहे। मौजूदा शोरा उद्वा कलमकारों को भी चाहिए कि वो उर्दू अखबार को खरीदें, उर्दू रसायल और जराए के मेंबर बने। बहुत शुक्रिया।